क्या आप बार बार ये सोच रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बदल नहीं सकती? अगर ऐसा है तो क्या आपने उन लोगों की कहानियां सुनी हैं जो एक समय में एकदम कंगाल थे और आज राजा बने बैठे? तो इस वीडियो में मैं आज वही बताने वाला हूं कि वो व्यक्ति, वो लोग उस कंगाली से कैसे राजा बन गए, कैसे अरबपति बन गए। एक खास पूजा जो गुप्त रूप से की जाती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें मैं यही राज बताने वाला हूँ। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि समय पर वीडियो आपके पास पहुँच सके। अगर कोई भी व्यक्ति कंगाल है तो वह राजा कैसे बन सकता है या कभी राजा था? किसी भी पूर्णिमा के दिन यह मध्य रात्रि में पूजा शुरू करनी है। कैसे अपनी किस्मत को बदल करके दुनिया को दिखा सकता है कि मैं भी अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करता आ रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वह खास और गुप्त पूजा कैसे की जाती है जिससे कि अगर कोई भी व्यक्ति कंगाल है तो वह राजा कैसे बन सकता है या कभी राजा था और आज वो कंगाली की हालत में आ गया है तो फिर से वह अपनी पुरानी स्थिति में कैसे पहुँच सकता है और कैसे अपनी किस्मत को बदल करके दुनिया को दिखा सकता है कि मैं भी अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। अब मैं उस गुप्त पूजा की तैयारी के बारे में आपको बताता हूँ, किन किन सामग्रियों की जरूरत पड़ती है और कैसे पूजा की जाती है। इस बात को इस वीडियो में आप देखें और सुनें। सबसे पहले आपको पूर्णिमा की रात को यह पूजा करनी है, इसकी तैयारी पहले से करनी है। तैयारी में लाल रंग का एक 1.25 मीटर का कपड़ा होगा, एक आसन होगा जिस पर हम उस लाल कपड़े को बिछा सकें, लकड़ी का हो, किसी धातु का हो या चाहे जैसा भी हो, आसन होना चाहिए जिस पर हम माँ लक्ष्मी को विराजमान कर सकें। माँ लक्ष्मी की मूर्ति चाहिए, चाहे वो पीतल की हो, चांदी की हो, सोने की हो या पत्थर की मूर्ति हो या मिट्टी की हो तो भी चल जाएगी। माँ लक्ष्मी की सुंदर प्रतिमा होनी चाहिए ताकि उनमें आकर्षण हो, ऐसी प्रतिमा हो। चावल लाल करके रख लें, थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल लाल रंग से रंग करके रख लें। लाल फूल इकट्ठा कर लें, कुछ घी का दीपक चाहिए 5 जो पूजा के समय जलाया जा सके, मिट्टी का दीपक हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कमल गट्टे की माला चाहिए जो माता लक्ष्मी को धारण करवाई जाएगी और एक स्फटिक की माला चाहिए जो आप अपने लिए मंत्र जप के समय रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बैठने के लिए भी लाल आसन चाहिए, ऊन का आसन हो तो बहुत अच्छा है या कुश का आसन हो तो अच्छा है, लेकिन उस पर लाल कपड़ा बिछा दें क्योंकि लाल आसन होना चाहिए। अब करना क्या है, किसी भी पूर्णिमा के दिन यह मध्य रात्रि में पूजा शुरू करनी है। इन सामग्रियों को इकट्ठा करने के बाद किसी भी पूर्णिमा को जब आप पूजा शुरू करने जा रहे हैं तो पहले दिन नए वस्त्र पहने आप, और वस्त्र अगर लाल रंग का हो तो वो भी अच्छा है। लाल रंग की लुंगी हो, धोती हो, ओढ़ने के लिए भी लाल रंग का कपड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। या लेकर के आप स्नान करें, फिर लाल वस्त्र धारण करें रात को 11:30 बजे, फिर आप अपने घर में, अपने पूजा स्थान में या कोई एकांत स्थान हो तो वहां पर ये उपाय कर सकते हैं जहां आपको किसी से डिस्टर्ब ना हो। नहाने के बाद आप आए अपने स्थान पर बैठें, आसन बिछाकर उत्तर की तरफ मुंह करके वह चौकी जो है आसन, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। लाल वस्त्र बिछाने के बाद में उसमें जो चावल लाल करके रखा है आपने उसको थोड़ा सा गिरा करके उसी के ऊपर माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें या माता लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करें। उसके बाद कमल गट्टे की माला पहनाएं, उसके बाद थोड़ा सा वस्त्र के रूप में कुछ रक्षा सूत्र माता के पास रख दें, नैवेद्य के रूप में कुछ मिठाई रख दें, गुड़ रख दें, शक्कर रख दें, घी का दीपक जलाएं 5 जला करके एक दीपक से माँ की आरती करके उनके पास रख दें इसे दिखा करके, और कमल गट्टे की माला आप उनको धारण करवा दें। उसके बाद माता से प्रार्थना करके कि हे माँ, मैं इस दौर से जो गुजर रहा हूँ, आर्थिक परिस्थितियां मेरी खराब हैं, आपकी कृपा चाहिए, यह कहकर के माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई मंत्र पढ़ने में असुविधा हो तो श्रृंग, श्रृंग का मतलब है SHRING, लेकिन जी साइलेंट हो जाता है, श्रृंग 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 श्रृंग, इस तरह से आप 11 माला जप करें। यह क्रिया
जब पूरी हो जाती 11 माला का, तो फिर उस समय माँ को वहाँ माला वहीं रख करके माँ के आगे अपने शीश नवाएं, शीश झुकाएं और माँ से प्रार्थना करें। करने के बाद फिर आप चले जाएं, आराम करें, उस स्थान को वहीं रहने दें सब सामान। फिर सुबह स्नान करने के बाद में उस सामान को उठा करके रख लें। इस प्रकार पूर्णिमा को शुरू करें, फिर उसके बाद प्रत्येक शुक्रवार करना है, फिर अगली पूर्णिमा को करना है। इस तरह से 5 पूर्णिमा होनी चाहिए और बीच में जितने शुक्रवार हैं उतने शुक्रवार को ये पूजा होनी चाहिए। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि अगर आप बहुत ही तकलीफ से गुजर रहे हैं, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बदलती चली जाएगी और आपको तरक्की के रास्ते नजर आएंगे। और अगर आप कभी एक समय में राजा थे और कंगाली की स्थिति में आ गए हैं, तो माँ की कृपा होगी, फिर आप पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। घर का कोई प्रमुख व्यक्ति भी कर सकता है, कोई सक्षम व्यक्ति भी कर सकता है, यह पूजा कोई स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है और युवा बच्चे भी कर सकते हैं आर्थिक धन स्थिति बढ़ाने के लिए। इसके अलावा यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेज दें ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।